नमस्कार प्रियजनों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी शुभ चिंतक। नवरात्रे जो दुर्गा माता के चल रहे हैं उसमें लोग सभी लोग अपने अपने तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस तरह से पूजा अर्चना करते हैं कुछ जप मंत्र भी करते हैं, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। लेकिन भाई बहनों, अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में असमर्थ हो, नहीं कर पाए दुर्गा सप्तशती का पाठ, माने उतना समय नहीं हो, तो दुर्गा सप्तश्लोकी का चंडी पाठ जो है वो उसे कर सकते हैं। उसको करने से भी दुर्गा सप्तशती के पाठ का ही फल मिलता है। सप्तश्लोकी जो पाठ है उसको उसकी पुस्तक भी बाजार में मिल जाती है, आप पुस्तक ला के भी कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो वीडियो में जो मैं आपको सुना रही हूँ आप इसे भी एक बार अवश्य सुने। एक बार सुनने मात्र से ही आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप संस्कृत में नहीं कर पाए, हिंदी में करें, और सप्तश्लोकी का पाठ भी संस्कृत में अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हिंदी में भी कर सकते हैं और हिंदी में इसे सुन भी सकते हैं। आप इसे एक बार अवश्य सुने, आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलेगा। और अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको इस तरह से सुने ताकि आपको उसका फल मिले कि श्री शिव बोले पूर्व पीठिका, तुम हो देवी भक्ति सुलभ, सब कार्यकलापों की स्वामिनी हो, बोलो कली में कार्य सिद्धि हित, जन को क्या उपाय करना है। श्री देवी बोली, कलयुग का उत्तमतम साधन श्रवण करें हे देव, ध्यान धरे बतलाती मैं स्नेह सहित, केवल माता की स्तुति करना है। फिर ध्यान करें, ध्यान इस तरह से आपको करना है, जिनके श्री अंकों का तेजस विद्युत सा है, वह जो केहरी के कंधे पर बैठी भीषण सी लगती है, गदा ढाल धनु जिनके कर कमलों में शोभित, तर्जनी मुद्रा पाश चक्र जो खड़क बाण धारण करती है, कन्याएं ले खड़क ढाल जिनकी सेवारत, जिनके मस्तक पर शशि से उज्ज्वल किरीट शोभा पाता है, उन्हीं त्रिनेत्रा अग्नि स्वरूप दुर्गा का मैं करता सादर ध्यान, मुझे उनका यह दिव्य रूप भाता है। अब सात श्लोक जो हैं उसे सुनिए। ज्ञानी लोगों के भी चित्त को बलपूर्वक कर्षित करती, वह भगवती महामाया ही मोह हेतु हेला देती, पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक, दुर्गे याद किए से तुम तो जीवों का भय हरती हो, करते हैं यदि स्वस्थ याद तो सुमति उनको देती हो, दारिद्र्य दुख हरने वाले कौन तुम्हारे है अतिरिक्त, पर उपकार हेतुरत जग में दरिद्र रहता है तब चित्त, दूसरा है ये। तीसरा, सभी मंगलों की शिव रूप गौरी शिवा शरणदा, नमस्कार तुमको नारायणी त्रिनयना हे सिद्धि प्रदा। चौथा, शरणागत का दैन्य दुख से परित्राण करने वाली परनमन देवी तुम्हें नारायणी, सबका दुख हरने वाली। पांचवा, सर्वशक्ति अनियंता देवी हे सर्वस्वरूपा सर्वेशा, नमस्कार तुमको हे दुर्गा वैसे रक्षा करो महेशा। पांचवा, सारे रोग नाश हो करती जब तुम होती हो संतुष्ट, सकल अभिष्ट ध्वंस कर देती हो जाती यदि कुछ भी रुष्ट, हैं लेते तेरा जो आश्रय आती उनके विपद ने पास, हो जाते आश्रय निकेत देते सबको सदा सुपास। छठा, सातवां, नाश हमारे रूपों का कर सब त्रिलोक बाधा की दूर, हे सर्वेश्वरी यह सब फिर भी करना होगा काम जरूर। इस तरह से ये सात श्लोक हैं। आगे है फलश्रुति, सप्तश्लोकी की फलश्रुति है। यह स्तोत्र देवी प्रदत्त वैभव कुलदायक, सब प्रकार से रक्षा करता, परम गुह है यह पाठ कराने, पठन श्रवण द्वारा त्रिलोक की विजय दिलाता। क्षमा प्रार्थना करें अंत में, तेरी कृपा करे यह वंदन सफल, पूर्ण मम हे सर्वेश्वरी, मंत्रहीन है भक्तिहीन यह क्रियाहीन यद्यपि देवेश्वरी। पाठ समर्पण माता रानी को इस प्रकार करें, यह जब तुझे समर्पित सादर, परम गुह रूपिणी माते मेरा, सिद्धि प्रदान करे देवी यह दिव्य प्रसाद महेश्वरी तेरा। इस तरह से अगर आप सभी नवरात्रों के 9 दिनों में एक बार भी इस पाठ को सुन लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक संख्या में आप कितना भी इसको पाठ करें, उतना ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके सारे दुख दारिद्र्य, सब परेशानियां, घर में आर्थिक तंगी, नौकरी, सुख संपत्ति,
सभी प्रकार की संतान प्राप्ति, ये सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसका पाठ करते हैं। लेकिन अगर एक बार भी इसको सुनते हैं तब भी आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है, जो भी आपकी सारी परेशानियां दुख दरिद्रता को दूर करता है। और 9 दिन सप्तशलोकी की चंडी पाठ को आप हिंदी में, ये जो मैंने बताया है, इसे अवश्य सुने, आपको अवश्य लाभ होगा, माता रानी की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। अगर आपको ये जानकारी, ये सप्तशलोकी की चंडी पाठ हिंदी में आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास आते रहें। माता रानी आप पर पूर्ण कृपा करे सप्तशलोकी की पाठ से। उम्मीद करती हूँ कि माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। और कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर कुछ ना कुछ लिखें, और नहीं तो कम से कम जय माता दी अवश्य ही लिखें, जो आपके और हमारे सबके कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। तो भाई बहनों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।